तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं अपने चाचा जी के घर जा रहा हूँ। अभी बज रहे शाम के 3:17। अभी पापा जी उसको ने गया माँ जी के पास उन्हें बताने कि वो माँ जी कह रही है कि नहीं जाना। अभी चलिए गाइस आपको उसको ने मैं पापा जी से मिलवाता हूँ। अभी तो मैं इस कमरे में था, अभी तो मैं ट्यूशन से आया था 3 बजे। गाइस देखिए यहाँ पे पापा जी। जी हाँ बेटा, प्लान हो गया सक्सेस? प्लान सक्सेसफुल हो गया, पर एक दिक्कत है। क्या? तेरी माँ जी ये कह रही है मेरे घर ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, थोड़ा बन ठन के जा। कदे नहीं हुआ। अरे निकल में चल लगा, वीडियो बनाओ उसे। बस चल ले बेटा, कैमरा देखते है तेरी माँ जी की सीटी पिटी गुल। चलो बाहर चल, मैं कपड़े बदल लूंगा। मैं तो चल रहा हूं, हम तो नहीं चल रहे हैं। हम तो नहीं चलेंगे। तो गाइस हम मेन तो वहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाने के लिए जा रहे हैं। जाएंगे बस पापा जी और माँ जी और मैं, क्योंकि मम्मा का तो पार्लर का काम है। पाजी या फिर कमरे में आ गए। चलो भाई गर्मी बहुत हो रही है, अभी चल देते हैं आज। फिर आपको क्या पैदल चल के जाना है? गर्मी हो रही है, गाड़ी में बैठ के जाओगे एसी में? चल बोल लिया। क्या क्या बोलते हैं, क्या पानी की बोतल ले ले। ओके आप भी ले आओ, मैं गाड़ी की चाबी ले लेता हूँ। अभी माँ जी तो और ये त्यार, हम तो त्यार ही बैठे थे कितनी देर के। मैंने तो ट्यूशन से आने के बाद सीधा कपड़े बदल लिए थे। अभी चलते हैं, चलो भाई चलते अभी माँ जी के पास। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं। अभी अजी गेट खोल दो, हैं गेट खोल दो क्या? तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, बस पापा जी तो आ गए पीछे गाड़ी में बैठ रहे, बस आपको देख ही रहे होंगे। तो बस हम निकलने वाले हैं गाइस, हम बस निकलने वाले हैं। बाजी गाड़ी निकाल रही है यहाँ पे गाइस, बाजी गाड़ी निकाल रही है बस। चलो भागो भागो, आज अंदर धूप हो रही है, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम निकल गए घर से, तो ये कैसा लग रहा है इतनी धूप में चलाते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी वहां जाके कांचे काटेंगे ठंडे पानी में। बस खट्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि लाइट ना काटे, लाइट होनी चाहिए। जामन खा रहे, कल ही पड़ोस से तोड़ के लेके आए थे, लाद लठ लाग जाया करते कि ये कहते जामन तोड़ लेते हैं। और ये नील और मैं ऐसे जा रहे बिल्कुल कैजुअल में, जिसकी माँ जी ना धोकर तैयार होकर आई है पूरी अपने घर जाने के लिए। अरे वैक्सीन आगे बच्चों की, तेरे को वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर जाएंगे। सुबह से ही इसका मूड ऑफ था, जैसे ही ट्यूशन से आया 3 बजे का टाइम था इसका, 3 बजे वैक्सीन लगेगी। इसको इंजेक्शन गेटर की वजह से मुंह लटका रखा था, फिर इसको सरप्राइज दिया बाद में। डर नहीं था मुझे, ऐसा मुड़ा उठा। कैसे? ट्यूशन की वजह था। ट्यूशन की वजह से क्यों होता? क्योंकि वैक्सीन तो से तो पहले भी लगे थे, जो मुझे बंदर ने काटा था, जो कितने से लगे थे, उसके बाद रेडर खुल गया। तो अब ये मास्क लगा लेना, दाड़ा वैक्सीन लग जाएगी 2000-4000 रुपए की। पकड़ी ना फोन ने मालूम नहीं गाइस। अभी हम निकल पड़े हैं। ऐसे कितनी देर का रास्ता है जी? रास्ता तो बेटा अपने हाथ में है, कितनी देर का है? सावा जा ना, इतना रास्ता उड़ेगा गाइस। रास्ता आधे घंटे का है। अभी तो निकल गए हैं, यहाँ पे रेड लाइट आ रखी है।
रेड लाइट आ रखी है, ग्रीन लाइट चलती है भाई। अभी आप कुछ कहना चाहोगे भाजी? कौन जा रहे हैं रोना है? भाई हम रोने जा रहे हैं, आपको ऐसे तो बताया ही नहीं। मेरी माँ जी के घर और मेरे पापा जी के मामा के घर और मेरे चाचा जी के घर। अरे तेरे दादा लग गए मेरे दादा जी चाचा जी नाना दादा लग गए ना चाचा वो भी चाचा उन्हें भी नाना कह चाचा जी कहता हूँ। और मोड़ दिया भाई गाड़ी, ये कुतुबगढ़ स्टैंड है। पहले जाते वक्त यहाँ खड़े होते थे, स्टैंड दिखा बेटा गाइस देखिए। आज बस पकड़ते थे मोटर की, मोटर से खर खोते की और खर खोते थे फिर आगे की मकोड़े की तंगे। गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी तो हम गाड़ी में जा रहे हैं। जल्दी आपको टूर दिखाएंगे साइकिल पे जाएंगे हम जल्दी वहाँ पे। कहाँ पे? रोना है? हाँ, उसका ब्लॉग का इंतजार करना। ये भी ना डाले मीडिया वाला किधर है मेरे मुंह में बोल रही ना साइड कर। ठीक है गाइस, आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं चिप्स खा रहा था, लेस लाल वाला। गाइस अभी तो हम अजय कहाँ पहुँच गए जानती? आ गई है भाई, गाय आ गई है। मालिक का कोई मारे ना ते मालिक ना पिटा नहीं। अच्छा भाई, नई बात का पता लगा है क्या? अभी बताइए क्या हुआ अगर बताइए। इन गावड़िया के मालिक को मार है, दो तीन गाय बैल भाग लेंगे उसके पीछे, अपने मालिक को ये मारने देंगे। अच्छा ये मालिक ने पकड़ बैठा दू अगर लठ मारने देखेंगे। कहता मालिक नहीं बैटर ट्रक रहेगा, भाज जाएंगे सारी गावड़ी दो रहे। अच्छा बेटा ऐसे तो हम भी जान दाव पर लगा देते हैं, इन्हें मालिक से बच के रहना। ये तो पूरा अपना आर्मी वालों की दरिया जत्था लेकर चलते हैं। अभी पहुंच गए भाई हम पंजाब कोर्ट। और एक इसने एक चिप्स का पैकेट पैर लिया पूरा। अभी चार पांच इसने चीजें और बता दी है, ये और खाऊंगा ये और खाऊंगा। अभी इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये स्टैंड है भाई, एक बार यहाँ गाड़ी ठोक दी थी मैंने, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। और हाँ बेटा क्या कह रहा था माजी को? चिप्स खा के सारी गाड़ी में चिप्स की मांस बांस कर दी। गाइस के दो थप्पड़ तो लग चुके हैं चिप्स में, गाड़ी में चिप्स की मैक कर दी है इसने। चिप्स में गाड़ी में? हाँ हाँ गाड़ी में चिप्स का क्या है? हाँ दो थप्पड़ तो इसको लग चुके हैं अभी तक। और अभी बेटा क्या पूछ रही थी माजी तेरे से? गाइस देख एक तो ऊपर ये 339 वाला ये तो टाइम है ऊपर ये पीएमई का, और ये तो वैसे ही कुछ। हाँ फंस गया बेटा वैसे ही, क्या होता है कुछ नहीं। बेवकूफ बना रहा माजी का, बेवकूफ क्या बना? नहीं पता तो फिर ये बोलना, पता नहीं ये क्यों बोल रहा वैसे ही है ये। बेटा फ्रीक्वेंसी होती है एफएम की, रेडियो की। फ्रीक्वेंसी में ये चैनल सेट होते हैं, हर एक चैनल को अपनी अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है बात करने के लिए। इसमें 531 फ्रीक्वेंसी है। हाँ 531 ना, इसमें बहुत ज्यादा है। ये देख के करता हूँ बहुत ज्यादा है। 2000 तक कर दो, लाओ करूँ 2000 तक कर दो। पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, वे कौन सी चैनल सेट करते थे, इसी से चलती सी फ्रिक्वेंसी पे बात करते थे वे। बाकी टॉकी जो होता है वो इसी पे चलता है, एफएम रेडियो इसी पे चलता है। अरे फेंक दे पन्नी ने भी खाओगा ही भाई।
डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, ऐसे रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए। गाड़ी में बैठ तो ये चीज मत खोल लिया करे, ये एक तरह फोन को बैठ जाए और ये इसको डांट लगी है भाई, गाड़ी में स्मेल करती पूरे पूरे राई ये सुनता जागा पीछे दुब गया है। ये गंदे आदत हूं मैं, कुछ कहूंगी मेरा हाथ में पकड़ लेगा और मैं तो आगे के बैड मारूंगा पैर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये दर्शकों को पता लगते हुए और ये अब छुप गया है और आज ये फंस गया। माँ जी अब ले ले भाई कुछ टमाटर नहीं केले चीकू वगैरह ना, चीकू तो बीमारे में ले जाए, अगर केले वगैरह लेके जाते हैं कुछ खाने का। पास एक मिठाई की दुकान है देसी, किस नाम थे अम्मी, प्रताप के नाम से है कोई दुकान, प्रताप डेयरी, जो बिल्कुल शुद्ध मिलता वहाँ मिठाई मिलती है। मैं कोई हलवाई सूट है आधी किलो पीढ़ी लाया था वृंदावन से भेजू के न्यू दरे दरे है, उन्हें कोई खाता नहीं है। और ये नील पीछे से ना बोल पा रहा ना बता पा रहा कुछ, इसके साथ तो वही हाल हो गया है, उसकी थोड़ी टाइट हो गई है। चलते हैं ना सब्जी लेके चलेंगे। सब्जी बनी बनाई है के काची? अरे वो कब तक क्या सब्जी लानी है भाई, बहू ने मैसेज दिया था सब्जी लानी है, अब देखते हैं जो टेंट वेंट लाग रहा होगा तो ठा लावा गाड़ी बनी बनाई पन्नी में ले जा रहे भंडारे के लिए आऊंगे मेरे। अरे को तो बोर्ड पार कर लिया भाई, बोलना है पे कैमरा मैन ने माँ जी को चिप्स खवा दे, माँ जी का हाथ पकड़ ले ना माँ जी खा लो चिप्स। अब भाई सुलझेड़ा हो गया लगता है, दो बार देनी लड़ाई मार चुकी है। ये पहुंच गए भाई हरियाणा में, प्रवेश कर चुके हैं और चंडीगढ़ बॉर्डर प्रवेश मतलब हरियाणा के अंदर घुस चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। गाइस मुझे पूछिए ये क्या लिखा है वहाँ पे, ये एयर बैग है, अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो ना इनके ऊपर से बहुत बड़े तकिए आएंगे फूल के, उनके ऊपर लगेगा, हमारा मुंह प्लास्टिक के ऊपर नहीं लगे। अच्छा ये भाई इसने एयरबैग के बारे में बता दिया है, जितनी टूटी फूटी इसको जानकारी थी। टूटी फूटी क्या थी? और अभी हरियाणा पहुंच चुके हैं, ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल यहीं से आते हैं, किसी भी खेल में चले जाओ सबसे ज्यादा मेडल लाने का नाम अभी हाल फिलहाल पिछले 25-30 सालों से हरियाणा के पास ही आ रहा है। उससे पहले पंजाब में काफी एथलेटिक्स होते थे, लेकिन अब पंजाब की बजाय हरियाणा में ज्यादा स्पोर्ट्समैन है। मुझे कुछ कहना चाहोगे? खुशी हो रही है ये बात पे पूछने वाले खुशी हो बेटा, तेरी माँ जी पहला कई बार रूस के जाया करते आ रहे थे, एक आधी बोले ठोट लाग जाया करते थे रूस का, कमा तो घर आ जाऊँ अपनी इन नरोड़ा में मकोड़ा बैठ कर जाया करती। मुझे तो ज्यादा खुशी एक्साइटमेंट इसकी है ये टूर बनाने की। देखता हूँ वहाँ पे क्या कलाकारी दिखाएगा, अभी लाइट आ रखी है कहीं हमारा वो पट बन जाए ना। खट्टर साहब से रिक्वेस्ट करके चल रहे थे कि लाइट रहे और आगे राम भरोसे बेटा। यह नहर आ गई, यही नहर में ये थोड़ा ये क्या बोलते ये डालना था, और नहर नहीं है तो वैसे पुड़ गया है, आगे देखते नहर भी पानी वाली है शायद, नहर आती है यहाँ पे तो पाई आली है या ताई आली है पानी तो मतलब पाई गांव है। अच्छा वही सारे का माँ के नाम रख रही है, नील की माँ जी अपने आस पास के लिए माँ की है भी होगा। ये भाई फिर रूस गया है,
इसको फिर गधेड़ आएगी माँ जी ने घेर के। आजा बेटा मान जा, कुछ नहीं होता। अभी एयरबैग के बारे में बता रहा था, इसकी माँ ने फिर गधेड़ा अंदर भागे, एयरबैग एक्सीडेंट करा दे। तू तो इसी से कल सुने इसी बात बोल रहा है, ये बेचारा एयरबैग के बारे में बता रहा था, इसकी कड़फ दो तीन गधाके आए हैं, उस वजह से शायद अब ये सारा भी न लग पा रहा। कमर को माई तरफ करके बैठा, बेटा इधर आ जा, कोई बात नहीं, मास्क हटा ले, अब तो हो चुका। अरे मैं ना डरती बेटा, ये गाड़ी पता है, चल गाड़ियों की नॉलेज तेरे को है काफी? नहीं है? कौन कौन सी गाड़ी आ रही है पीछे? आवाज तो आ नहीं रही बेटा। पीछे एक लाल कलर की क्रेट है, इतनी देर से पीछे कर रही है। ये हमें किडनैप करने के चक्करों में तो नहीं है, काफी देर से फॉलो कर रही है हमको। ब्रीजा थी लाल इसे, और हमने और आगे से ब्रीजा थी उसे भी छोड़ गई। ले पकड़ना है फोन ने। अरे देख यहाँ पे क्रेट है, उससे पीछे वहाँ पे इनोवा है, उससे पीछे वैगनर है, एक टेम्पू है, और तभी मुझे दिख नहीं रही, जब दिखेगी गाइस जब आपको बताता हूँ। ये क्रेटा हमारा इतनी देर से पीछे कर रही है। यार यहाँ पे यहाँ सेंटर गई थी एक गाइस, अभी हम बस पहुँचने वाले हैं जी। कितनी देर का और रह गया है बताओ? बेटा 5-7 मिनट और लगेगी, अभी तो आधा घंटे में 1 मिनट रह रही है, आधे घंटे में। गाइस यहाँ पे बाबा जी ने रोक लिया है, पता नहीं क्या करेंगे। आज क्या करोगे बेटा? ये नहर में तो नहीं गिरूंगा इस की बार, मैं टोल पे रहूंगा, नहर में नहीं, अरे ये गहरी नहीं होगी तो मैं चल रहा हूँ बाहर। गाइस चलते हैं बाहर, इसको थोड़ा बाह के आएंगे माँ जी अपने हाथों से, या मैं लाल नहीं कराऊं और जा रहे भैया। बारह बेटा ने फिर से इसको खींच दिया नहर के अंदर, इसी में डुबकी मरवा दी उतरी। अब देख रहे हो घासा में डाला गया, इस ताकत नहीं डाला जाएगा डाल। सही तरह डाल ले, ये डाल दिया भाई, मान्यता के अनुसार पुरानी। और माँ जी को ये बोल दिया कि प्रदूषण ऐसे होता है, तो इसकी जगह हम दोनों को भी धक्का दिया जाएगा, और ज़्यादा शाने मत बनो, करना पड़ता है ये काम भी। अरे फ्लाई ओवर बन गया भाई, बाईपास और खोदा बाईपास से शायद ये। चल बैठ बेटा, आ गया भाई ठंडा लेके। 90 की थी, अब हिसाब किताब लगा रहे कितने पैसे वापस लाया है। देखिए पहले तो बहुत काट रखा था। अच्छा चल जाएगा, चल जाएगा, ये तो थोड़ा सा ही बट रखा, पहले तो थोड़ा सा ही रह रखा था, बस इतना सा। भाई ये कुछ मिला नहीं खाने पीने का लेने के लिए रास्ते में, ब्लॉक के चक्कर में हम भी भूल गए। अरे की माँ जी ने कई बार कह ली हमने, इधर लागे उड़क बना ले गए, कदे बड़न ना दे इस मारे बमगा ले ही ले, क्यों बेइज्जती कराई। शेक करूंगा सीधा खोल दी फ्रेंड। हां इसे दुकान और इसे नोट ही दो, पैसे कितने ले का देख ले, हिसाब किताब ला ले। ₹410 अच्छा, और देखते आगे कुछ मिला तो। ले बेटा संभाल, अब अभी मैं कोक लेके आया था, पहले तो मैंने कोशिश करी कि माजा या फ्रूटी आ जाए, फिर वो तो पाई नहीं, तो कोक ही लेके आ गया। फ्रूटी वो वाली थी 20-30 वाली, मैंने ली नहीं, लेने थे मैं बड़ी वाली थोड़ी सी, फिर मैं कोक ही लिया है। कितने लीटर की है गाइस, ये 1 मिनट दिखाता, ये 2 लीटर क्या गाइस आपको, 2 लीटर
गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं हमारे खेत चले गए पीछे जहाँ पे हम नहाते टूल पे। अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस एक मिनट का ट्रेनी रखा हूँ। अब तो मुझे भी बताए कहाँ पे है, यहाँ पे अब हाईवे बना दे थोड़े से खेतों को काट काट के। हाईवे ही तो है ना भाजी, है हाईवे ना थोड़ा सा तो है, हाईवे ही है पूरा, हाईवे ही है। देखा माजी, हाय गाइस हम बस पहुंचने ही वाले हैं खेत। तो दिखिए खेत के बाद तो एक दो मिनट का रास्ता ही होता है बस। गलत आया है, मैं भी कह रहा था ना वहां से मुड़ना है मुड़ना है भाजी। गाइस पहुंच गए रोने अभी यहाँ पे उसकी गली में तो पहुंच गया है। अभी आपको दिखाता हूँ सामने से। गाइस देखिए यहाँ पे ये आ गया है घर की खाने से लग गया ये रहा। ये रहा आगे नहीं थोड़ी सी आगे और चलो गाइस आगे है यहाँ पे। हाँ यही है गाइस, देखिए गाइस ये है मेरे चाचा जी का घर। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गाइस, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ पे प्रिंस अंशु भी है मेरे भाई, उनसे मिलने के लिए। गाइस जल्दी अंदर चलते, मेरे से रुका नहीं जा रहा, जल्दी लो खोलो वहां से। गाइस लो खोले, मेरे से रुका नहीं जा रहा, भागो ये जल्दी गेट खुला। अरे बाजी लो कैमरा पकड़ो, आप मुझे भागने दो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, देखिए यहाँ पे उस साइड में भी है थोड़ा सा क्रिकेट खेलने का एरिया बना रखा है, वो भी आपको शाम को दिखाऊंगा। अभी तो बहुत धूप हो रही है अंदर, तो वैसे नहीं आया इसलिए बाहर आके ही बना लेता हूँ। मैंने सोचा अभी आया हम भी, और अभी टाइम हो गया 4:29, 4:30 ही हो गए, 4:30। अभी सब अंदर ही है, बस मैं ही बाहर आ रहा कहीं इतनी धूम में ब्लॉग बनाने के लिए बस। हेलो कहीं आपको अभी शीशे में दिखाता हूँ, मिरर में आपको अभी भी थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा खोल के। गाइस देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, चलते हैं हम अंदर, और अंदर दिखाते हैं आपको अंदर से थोड़ा सा। अभी सुन वहाँ पे हम माजी वहाँ देखे हुए बाजी बैठे हुए, वो पता नहीं। गाइस अभी आपको प्रिंस से मिलवाता हूँ, सबसे बड़ा भाई है मेरा। और गाइस चलते अभी अंदर। तो गाइस अभी हम अपने पुराने घर में जा रहे हैं। गाइस देखिए, हेलो गाइस, ये रहा भाई प्रिंस है इसका नाम, ये पीछे देखो भाई अंशु आ चुका है। गाइस देखिए ये अंशु है, हाय बोल, हाय। गाइस अभी हम पुराने घर पे चल हमला बोल। अजी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कुछ बोलना? बढ़िया लग रहा है बेटा, माजिन देख ले नहीं ऊपर बैठा गधे रही थे ना, आ जा ले उधर लो बैठ गया। आई गरम, आई 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 ले पकड़ पकड़े, रोड क्रॉस मत करिए, रोड सुनसान हो गया बेटा, जब क्या हाईवे बना है तो जब का वीडियो होली पे होली से। हाँ बंद नहीं चल रही। तो गाइस ये पर इंसान छुआरे साइकिल पे, और उन्हें पैदल भाग भागा जा रहा हूँ मैं तो। गाइस अरे अरे बाप, गाइस पहले प्लॉट में चलते आ जाइए। गाइस देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा है, दूसरी साइड भैंसों का है। आप दिखा के लाओ, रेस्ट चाहिए थोड़ा सा मुझे। यो बैठ गया भाई ट्रैक्टर पर बैठ गया है, और उनकी जो तो नहीं आग रहे बेटा, ये टक्कर मार आग रहे सीधे
दूसरे देख कर चलना होता है, वो इससे बच कर चला गया, इसका क्या बिगड़ना है। इसने तो देखना ही नहीं होता, ट्रैक्टर वालों को तो सीधा चलना होता, दूसरे देखेंगे। अभी भी नहीं दिख रहा। वो इसका काम होता है सीधा चलने का। यार ये भाई प्लॉट मारे हैं, बस बनती थी पहले यहाँ, ये अब यूज नहीं हो रहा काफी दिनों से, घर के साथ ही शिफ्ट कर लिया इन्होंने दूसरे प्लॉट में। आ बेटा जल्दी आ, थोड़ा तूड़ा लगा ले, गर्मी लग गए थे। आ जा आ जा, वो ये आ गए दोनों। डिवेलवन इसको क्या बोलते बेटा, गर्मी के लिए बहुत अच्छा, इसको दही पर लगा ले। बेटा गर्मी में अगर ये चिपक जाए ना सिर पर, ऐसी खुजली होएगी, ऐसी खुजली होएगी। चलो अब घर चलते हैं अपने दूसरे घर पे। बेटा ये वॉशरूम है, ऊपर चले ना, ऊपर नहीं। यार ये क्या है, ये क्या बेटा, ओहो तेरे को भी नॉलेज है पूरी। ऊपर चले, खोर में क्या होता है, टूड़ा टूड़ा। और ये क्या है, ये बेड पता कब आया था, ये बेड आया था आज से तकरीबन 20 से 21 साल पहले आया था। इस घर का सबसे खाट के बाद से जो सबसे पहला बेड आया वो यही था, मैं तेरे नाना जी के साथ जाकर लेके आए थे ये बेड से। जिस दिन ये बेड आया था बेटा, उस दिन मेरे कान में कान खजूरा चढ़ गया था, तकरीबन 6-7 इंच का, नानी जी ने पकड़ के मारा। वो उस दिन से ही बेड के ऊपर बड़ा कलेश हुआ था। नाना जी उस दिन कह रहे थे, मैं बोल रहा था खाट से बढ़िया कुछ नहीं होता, बेड के लिए बहुत निकालने के लिए बहुत ताकत लगी थी, एक बेड नहीं रखना खाट ही रखनी है। वो कुदरती ऐसा हो गया था कि मेरे, मैं ही सोया था सबसे पहली बार इस पर, आज 20 से 22 साल हो चुके इस बेड को। कान खजूरा उससे दिन मेरे सिर पर चढ़ गया, वो तो देख लिया ना तो बेटा कान में चढ़ जाता मेरे। ये चल दिए भाई घर की तरफ, और इसके स्टंट हो गए शुरू, ये फायरफॉक्स का फायर निकाल कर रहेंगे ये, देखते हैं भाई कितनी दूर तक बैलेंस बना कर रख पाता है। ये पहुंच गए भाई हम घर पे, पुराने घर पे, मेरे भी बचपन का काफी समय यहाँ पे गुजारा है। बोल बेटा कुछ। और ये एक सातवाड़ा भी है, यहाँ पे भी बहुत क्रिकेट खेल रहा हूँ, 800-900 रन बनाता था एक बारी में, बैट स्कोर है जो आज तक कर रहा होगा यहाँ। कहाँ जा रहा बेटा, जल्दी आ नीचे। छत पा आ गए भैया, पसीना पसीना हो रहा है बिना मेहनत के, पसीने नहीं सूख रहे गए बंदर। रह नहीं रहे भाई अभी यहाँ पे, यहाँ भी बेटा बहुत सोए है दाडे में, और सोरी गर्मी में छत पे। मत खोलना रहने देना, वो गेट ना बंद कर दे। चल बेटा नीचे चलते हैं, ये छत भी भाई अब पक्की हुई है 10-15 साल से, ना पहले कच्ची थी। अच्छा चल रही है अब, पह
पहले ये पैड काला होता था, बंद होता था, काफी डर लगता था आने में। अब तो थोड़ा खुला सा हो रहा है। खोल बेटा, पहले ऐसे ही हम डराते थे, बंद करके। कुंडी नहीं लग रही भाई। ये पंखा 20-25 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ भाई, ऐसे ही टंगा हुआ है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई। आ खड़िया बाल का ही गैंग, भारी डिस्कशन चल रहा कोई लगता है। क्या कर रहा बेटा, क्या डिस्कशन चल रहा तुम लोगों के बीच, बोले ले आया हूँ भाई नैयर कोट का। फ्लाई ओवर हाईवे बन गया अब यहाँ पे, पहले हाईवे नहीं था, अभी हाईवे के रूप में पास करा ये रोड आ रहा, मैं पड़ गया। ये चल रही, अभी देखते क्या धमाल करता है। ये पीछे जो उड़ीसा की तरफ से तूफान आया था शायद, तभी ये पेड़ गिरा है, शीशम का पेड़ है, काफी पकड़ा था ये भी। थोड़ी फुर्ती दिखाई है, अब देखते खट्टर साहब लाइट है नहीं है, लाइट भी आ रही है। कुआ भी वही बहुत पुराना हमारा, बचपन का टाइम बीता है मेरा भी काफी। देखते अभी क्या करते, नील ने भी अपने दिखा दिए सारी। ये चल गया है टू बोल, अच्छा घड़ी की चिंता होते हुए अभी देखते हैं ये क्या करेगा। कट गया वो, अभी नीचे उतरेगा नहीं, मैं डरेगा। और ये तुम्हारा यूट्यूब ब्लॉगर नीचे नहीं उतर रहा डर के मारे, उतर बेटा। नीचे जा, नहीं इसके ले नीचे जा, कोई बात ना, जा खींच के ले जा इसको, खींच के ले जाओ, खींचो इसको, खींचो खींचो खींचो, ऐसे ना मानना, खींचो खींचो, खींच लो खींच लो। ओ अरे ये जबरदस्ती घुसाते हुए, नीचे आ जाए मैं, नीचे टूबल के नीचे आ जा, तू की चिंता क्यों कर रहा है, गुलाटी मार दिए भाई तू भी, ना ना ये ना रुके, अरे आ जाए कोई नीचे आ जा ना जल्दी, ये तो कुत्ते ही है। चल रही है भाई नीले, देखिए भाई लड़के के स्टंट देखो, आधा पौना घंटा हो गया इन्ना बड़े हुए। थोड़ी कम से
ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਰੀ ਸਾਡਾ